तो अभी मैं था दादर ईस्ट के साइड, अभी जाना मुझे दादर वेस्ट साइड। सो ये यहाँ पे आसपास छोटा सा एक मार्केट है और सामने है रेलवे ब्रिज, मीन्स रेलवे स्टेशन भी है, ऊपर भी स्टेशन नीचे भी है। दादर जो लोकल है ना वो यहीं से मिलती है, तो जो रेलवे ब्रिज है इसको क्रॉस करके हम दादर वेस्ट के साइड जाएंगे। तो वहीं से हमें जाना है, जो मार्केट है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, दादर का जो लोकल मार्केट है, साथ ही लोकल मार्केट या फिर मंडी आप बोल लो वो एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही यहाँ का क्या बोलते हैं जो दादर चौपाटी है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी ये रास्ता है, यहाँ से जाना है। भाई आप भीड़ देख रहे हो, वो भीड़ तो अभी फ़िलहाल कम है, आगे मार्केट है, मार्केट में लेके चलता हूँ। ये सब भीड़ है, ये ज्वेलरी वगैरह सब बिक रही है। यहाँ पे तो फूलों का मार्केट है, फूल वगैरह बिक रहे हैं, बैग वगैरह भी है। ये क्या है, जो आप एलो टैक्सी यहाँ पे देख रहे हो ना इस टाइप के, ये मतलब आपको या तो कोलकाता में मिलेगी जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, या फिर आपको बॉम्बे में मिलेगी। तो ज़्यादातर सेंट्रो हैं गाड़ियाँ, जो सेंट्रो वो ब्लैक और येलो कलर में है, बट आप कोलकाता जाते हो ना तो फुल येलो कलर में मिलती हैं वहाँ पर। अभी शायद यही रूट जा रहा है भाई, मैं पैदल जा रहा हूँ यहाँ से। दादर चौपाटी की तरफ जब जाते हैं ना तो अलग अलग टाइप का मार्केट है, जो कि स्ट्रीट मार्केट है पूरा, स्ट्रीट वेंडर वगैरह बेच रहे हैं सब सामान। तो यहाँ पे है जैसे कपड़े का मार्केट है, और अभी जो पीछे देखा था ना वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह और भी अदर अदर फूड, अलग अलग जो चीज़ें हैं ना वो बिक रही थी। तो अभी यहाँ से अप्रोक्स 1 किलोमीटर मुझे पैदल जाना है, तो मैं पहुँच जाऊँगा दादर चौपाटी। तो पीछे साइड और भी मार्केट है, जो दादर ईस्ट है ना वहाँ पे मैंने देखा कि सेकंड हैंड फ़ोन वगैरह भी बिक रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। भीड़ बहुत है भाई, भीड़ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही है, ऐसी भीड़ मैं दिल्ली के बाद यहाँ पे बॉम्बे में देख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ और भी जगह होगी बट यहाँ पे भी काफ़ी सारी भीड़ है। तो मैं पहुंच गया हूं भाई दादर चौपाटी, यहीं पास में है शिवाजी पार्क, अभी इसके अंदर जा रहा हूं। तो शिवाजी पार्क देख लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा चौपाटी। तो अभी तो मैं गया था जस्ट गेट के बाद, जैसे इंटर होते हैं ना तो एक अमर ज्योति है, अमर ज्योति और साथ ही अशोक स्तंभ, और उसके जस्ट बाजू से रास्ता आ रहा है शिवाजी पार्क के लिए। काफ़ी सारे लोग बैठे हैं भाई, शाम का टाइम है क्योंकि भीड़ इतनी है, तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही, ऐसे ही कुछ सीन है यहाँ का। तो पार्क में थोड़ा शांति का समय बिता के मैं आ गया हूँ जस्ट दादर चौपाटी के। यहाँ पे एक अशोक स्तंभ है, ये है अमर ज्योति, और यहाँ पे तो भाई पुलिस वगैरह भी है, सब कुछ है। अभी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी साफ़ सुथरा है बैठने के लिए। सीलिंग ब्रिज और
एसी। अभी जो जहाँ पे हम हैं ये है अरबियन सी, और नीचे आप पानी देखो, पानी का लेवल कैसा है भाई, वैसा ही है जैसा हम तुमने करके रखा, फुल गंदा। तो अभी सनसेट होगा और सनसेट का व्यू यहाँ पे आएगा जो कि मस्त होने वाला है। तो अभी सनसेट देखेंगे, सबसे पहले चलते नीचे, मैं बीच दिखाता हूँ यहाँ की बीच कैसी है और बीच का पानी कैसा है, वो ज़रूर देखना चाहिए। अभी इस साइड देखो, ये चीज़ें आपने ज़्यादातर देखी होंगी मूवी वगैरह में। तो ये भाई दादर बीच पे आ गए हैं अपन, और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, ये देखो घोड़े, और इनकी सवारी कर सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, फोटोग्राफर घूम रहे हैं। और बीच का हाल देखो, स्पेशली मैं बीच दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ नीचे, पहले मैं वहाँ पे था, वहाँ से सनसेट देख सकते हैं आराम से। और ये है भाई बीच, ये देखो भाई पानी कितना गंदा पानी है ना। मैं अभी जहाँ जहाँ भी गया हूँ ना, मीन्स जिस जिस बीच पे गया हूँ अभी तक, उसमें सबसे गंदा पानी मैंने यहीं का देखा है। और ये जो पानी है ना भाई, इस वजह से गंदा नहीं है कि अंदर से ही आ रहा है, मतलब जो ये बॉम्बे का जो सारा कचरा है ना, वो जाके इसमें गिर रहा है मेरे हिसाब से। तो तभी तो आप देखो यहाँ पे कितना गंदा पानी है। भाई इस पानी में से स्मेल भी आ रही है, साथ में आप इसके कौवे घूम रहे हैं क्योंकि गंदगी की वजह से। क्राउड भी है भाई, क्राउड कहाँ जाएगा। पानी का जो लहरें हैं वो लहरें बढ़ने लगी हैं क्योंकि शाम होने लगी है, तो थोड़ी देर बाद होगा सनसेट। सनसेट का पूरा जो माहौल है वो बनने लगा है। वो सामने ये ब्रिज देखो आप, खूबसूरत दूर से कितना अच्छा लगता है, बट जब आप पास में आके देखोगे तो एक्चुअल देखने को मिलेगा कि पानी कितना साफ है। आप इसमें नहा नहीं सकते हो, ना ही इसके अंदर जा सकते हो, जाने वाले जा रहे हैं बट क्या ही जाओगे यार, कितना गंदा पानी है, गंदगी देखो कितनी आ रही है, फिल्टर वगैरह सब कुछ यहीं पे डला हुआ है। तो ये है यहाँ पे पार्क, पीछे जो ये पार्क है ये शिवाजी पार्क है, शिवाजी पार्क पॉइंट वगैरह। तो यहीं पर चौपाटी है ये दादर चौपाटी, लोग आते हैं घूमते हैं भाई शाम के टाइम पर। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे भाई, यही जगह है तो यहीं तो आएंगे, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं वहाँ ऊपर, तो वहाँ से दिखाता हूँ यहाँ का सनसेट। आपने देखा होगा जब मैं आया ना, तो दादर जो लोकल रेल, जो दादर रेलवे स्टेशन है जहाँ से लोकल वगैरह मिलती हैं और अदर ट्रेन भी मिलती है, वहाँ पे छोटा सा मार्केट था, वो भी आपने देखा, वहाँ पे भीड़ आपने देखी कितनी सारी भीड़ थी। प्लस आप यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे सारी जो सी का जो मतलब समुद्र है उसके किनारे किनारे सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मीन्स एक के पीछे एक बड़ी बड़ी कम एरिया में बिल्डिंग बनी है, जिससे कि ये जो व्यू है ना वो घरों से आ सके, वो लोग वहाँ से देख सकें। इस साइड भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हैं।
यार जो मैंने बोला ना, इतना गंदा बीच मैंने कहीं नहीं देखा। गंदा बीच इन द सेंस पानी मैंने इतना गंदा नहीं देखा। बीच तो साफ हो सकता है, जैसे आसपास का जो कचरा है वो साफ हो सकता है, पर जो पानी है उसको कैसे साफ करोगे? पानी इतना सारा गंदा है कि मैं क्या बताऊँ। फुल लग रहा है जैसे कि पूरे नाले इसी में खोले गए हैं, क्योंकि सत्य है भाई, ऐसे ही हुआ होगा। तभी इसी वजह से इतना सारा मतलब इतने बड़े लेवल पर पानी गंदा है। तो मतलब आप समझ लो कि कितना बड़ा जो सीवरेज लाइन वगैरह है वो इसके अंदर डालेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगा है, जो यहाँ का पानी इतना गंदा इसलिए है क्योंकि जो आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा एक झील टाइप का लग रहा है, बट वहाँ पे जो ब्रिज है ना, ब्रिज के वहाँ पे इसका जो इंटर होने का है ना, वो पानी इंटर होने का जो एक प्रकार से आप बोल सकते हो, इन होने का जो एरिया है वो एरिया काफ़ी कम है। तो जो इस मीन सराउंडिंग एरिया के जो भी नाले वगैरह या जो भी है ना, वो सारे इसी में छोड़े जाते हैं, बट वो वापस वहाँ तक रिटर्न पानी नहीं जा पाता है। इस वजह से पानी इतना सारा गंदा मुझे लग रहा है, इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है। बाकी जो इसका कचरा है वो तो आपको पता है कि समुद्र में आप कुछ भी फेंको वो वापस रिटर्न ही आता है, बट पानी का जो कलर है वो बहुत ही गंदा ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा ही कुछ है भाई। अब यहाँ से अपन निकलते हैं, पैदल अपन को फिर से वापस जाना है दादर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, क्योंकि रूम है अपना वहीं पर है। भाई अपन फिर से आ गए हैं रेलवे स्टेशन के पास। कौन सा रेलवे स्टेशन? दादर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ का फूड मार्केट है, वेजिटेबल वगैरह फ्रूट वगैरह सभी कुछ बिक रहे हैं। क्या प्राइस का है? 300 रुपये। कल से बंद दादर। क्या रेट का भाई? 120 के जी। बेंगलोर 250 बिक रहा है यार। बेंगलोर नहीं लाना पड़ेगा। आ जाओ वहीं भाई। लहसुन यहाँ पे 120 रुपये के जी है।
बैंगलोर में तो 40 रुपये 50 रुपये या 60 रुपये पर मतलब 100 ग्राम मिल रहा है भाई, बहुत महंगा है वहाँ पे। एक के जी यहीं से ले जाऊँ क्या? आम मैंगो तो भाई 300 रुपये के जी है। चालू है भाई, आईफोन आईपैड सभी बिक रहे हैं यहाँ पे, 6000 में आईपैड दे रहे हैं। मैं अपना बचा के रखता हूँ, पता चले थोड़ी देर बाद मेरा फोन यहाँ पे बिकता हुआ दिखे। हेडफोन जूते वगैरह तो है ना, जो नाइकी एडिडास उनकी सबकी फर्स्ट कॉपी बिक रही है, और फ़ोन भी बिक रहे हैं। आईफोन तो भाई प्रो तक, प्रो मैक्स प्रो सब कुछ बिक रहे हैं। तो ये जो मार्केट लगा है ना, जस्ट जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं ना, वेस्ट के साइड दादर में, तो उसी साइड है मार्केट है, सॉरी दादर में ईस्ट के साइड है मार्केट लगा है। शाम के टाइम पे फ़ोन वगैरह सब कुछ, फ़ोन आईपैड सभी चीज़ें बिक रही हैं, बट ये सब मतलब चोरी वगैरह की है, इधर उधर से लाई हुई, वो वर्क करेंगी नहीं करेंगी उनका पूरा भरोसा नहीं है, बट सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे। तो भाई ये था मार्केट दादर का, और साथ ही आपने देखा दादर चौपाटी और वहाँ की जो भी लोकेशन वो सारी चीज़ें, और साथ ही यहाँ पे देखने को मिला आपको चोर मार्केट टाइप का, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे लेवल पे, बट फ़ोन वगैरह टैबलेट वगैरह वहाँ पे सारी चीज़ें बिक रही थी, बट वो ऑथेंटिक हैं या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैंने चेक की है, बट वहाँ से ख़रीदना कोई सेफ़ नहीं है, क्योंकि चोरी वगैरह की ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, तो ख़रीदना भी कोई चाहिए नहीं। मतलब वैसे तो रेट कम ही है वहाँ पे, आईपैड वगैरह 6000 में दे रहे थे, आप नेगोशिएशन वगैरह करके निपटा सकते हो अपने आराम से, बट वो वर्किंग करेंगे या नहीं, क्योंकि किसी का आपको चार्जर नहीं मिलेगा ना, किसी का कुछ नहीं मिलेगा, पता चला आप घर पे जाके देख रहे हो तो वो चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ था भाई। अब यहाँ पे ये सामने ऐसा कुछ ये भी हुए, और जस्ट थोड़ी आगे मेरा होटल है, तो यहीं आसपास कहीं खाने की व्यवस्था देखता हूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है, और एक समोसा बस खाया था यहाँ पे आके, सो खाना वगैरह खा लेता हूँ और उसके बाद जाएंगे रूम पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना, साथ ही आप ग्रुप में फ्रेंड फैमिली के साथ जहाँ भी चाहो वहाँ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं बॉम्बे से रिलेटेड नए वीडियो आने वाले। बाय बाय।